देखिए कितनी तेज आग जल गई है, मजा आ गया। बहुत ठंडा हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ और बाहर अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड से धुंध सी हो रही है, तो मैं आपको पहले बाहर का मौसम दिखाऊंगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, फिर अदर काम भी करूँगी अपने। ये देखिए गाइस, अभी सुबह तो हो चुकी है बट थोड़ा धुंध सी है और ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है अभी। तो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चाय भी रख ली है। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे कप में और गिलास में चाय रख ली है और ठंडा इतना हो रहा है ना, अभी मैं बन चुकी हूँ पूरी कार्टून जैसी। तो ऐसी कार्टून बन के मैं सारे काम करूँगी। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, चाय की चुस्की लेते लेते सफाई भी करूँगी, बाहर की सफाई करूँगी और अंदर की सफाई करूँगी, फिर अदर काम करूँगी। तो गाइज, अभी सफाई भी हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है। अब थोड़ा ठंड गर्मी सी आने लग गई है, ठंडक थोड़ा कम हो गई है ना, तो अभी पूरे एनवायरनमेंट में गर्मी सी आ गई है। और सुबह इतना ठंडा रहा ना मम्मी, पर मैंने तो आज जल्दी उठ के सारे काम कर लिए। बादल लगे थे आज, पर पता है ठंड में कोई नहीं लगाना चाहिए, हर शुभ होती है ना, ठंड में कोई नहीं लगाना चाहिए वरना सर पे चढ़ जाता है, इसलिए अपना काम करते रहना चाहिए ना। तो अभी सारी सफाई हो गई है, ये देखिए पूरी विंडो की से धूप पड़ रही है। यहाँ हमारे यहाँ सुबह जल्दी आ जाती है धूप, पर अभी ठंड की वजह से ठंड रहती है। दादी कह रही है बुढ़ों के लिए बहुत ही बेकार है ठंडा कर रही है। बुढ़ों के लिए क्या, सबके लिए हो रहा है ठंडा। हाँ, ठंडा तो बहुत ही हो रहा है ना, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, बहुत ठंड हो रही है। तो अभी हम बना रहे हैं खाना। तो हम दिन में मतलब अभी पूरे दिन का भी खाना बना लेते हैं, चावल भी बना लेते हैं क्योंकि छोटे दिन है ना, तो हम खाना बना लेते हैं, 11 बजे तक खा लेते हैं। हाँ, फिर बस वही टाइमिंग रहती है हमारी, फिर उसके बाद टाइम कहाँ रहता है, फिर अगर भूख लगी तो रोटी एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अभी हम खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी बन रही है शाम की चाय और साथ में अभी दूध वाली तो नहीं बनेगी, ऐसी बनेगी क्योंकि अभी दूध है नहीं। तो आलू की चिप्स भी बना रहे हैं। आलू की चिप्स, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का फरमान है कि उनको चाय के साथ आलू के चिप्स भी चाहिए, तो अभी मैं आलू छील लेती हूँ और आलू के पतले पतले से स्लाइस काट कर उनको बेसन में डिप करके और थोड़ा सा मिर्च मसाले और नमक डाल के बना दूंगी जल्दी से। तो गाइस, रेडी है गर्मा गर्म चाय, गुड़ और आलू के चिप्स, तो वो मैं इनको दे आती हूँ। आप मम्मी आओ चाय पी लो। हाँ, और गरम गरम पकौड़े भी बनाए हैं, पकौड़े नहीं चिप्स बनाए हैं, जल्दी आओ। अभी रात के खाने का भी टाइम हो गया और मैंने सब्जी भी काट दी है। आज बन रही है हमारे घर पे मिक्स वेज, ये देखिए इतनी सारी सब्जियां बन रही हैं और साथ में हम इसमें बंद गोभी भी डालने वाले हैं। और अभी देखो सारी सब्जी का यहाँ पर वेस्ट पड़ा है, तो उसको मैं जल्दी से साफ कर लेती हूँ पहले। सब्जी के साथ साथ सफाई भी हो जाए तो ठीक रहता है, वरना सारा ऐसे पड़ा रहता है। तो अभी वेस्ट भी साफ हो गया है। अब मैं जाने वाली हूँ आग जलाने के लिए क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। पहले हम मोड़ लेते हैं जल्द से सॉल और फिर हम अंगीठी में आग जलाते हैं, क्योंकि जैसे शाम हो रही ना इतनी ठंड होने लग जा रही है बेहिसाब, फिर हम सब्जी चला लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ से किचन से छिलके और फिर उसके बाद हम लेंगे ठीठे, उससे लौंग में आग। लकड़ी बोल लाई थी, कोयले भी बनते हैं ना। कोयले तो चाहिए फिर बात के लिए। बात के लिए ना।
ये बांस की लकड़ी है। किसकी? बांस की है। कोयला बनते हैं इससे? अच्छे अच्छे रोटी इससे। हाँ अच्छे, ये रोटी बनाने के काम आ जाएगी। इसको भी लगा दो। एक लगा दो भैया, इसको लगा दो। धुआं मेरे घर को क्यों आता है हमेशा? ठंडा तो बहुत हो गया ना। हाँ, ठंडा हो रहा है यार। तो हवा नहीं चल रही है। हवा दिन में चल रही थी कहाँ? हाँ दिन में बहुत हवा चल रही थी, मतलब नीचे बैठने से बाहर बैठने से सही नहीं हो रहा था। हाँ दुकान में तो सब उड़े थे, वहाँ ऐसा हो रहा था। वहाँ तो और ज्यादा हवा थी, तब तो मेरे पूरे हाथ ठंडे हो जाते हैं। ये देखो मेरे इधर को आ रहा है। अब मैं इधर को आई, अपना भी इधर को आएगा देखने। ये देखिए कितनी तेज आग जल गई है, मजा आ गया। बन गई बहुत ठंडा हो रहा है। पर इसमें तो लकड़ी लगाई नहीं हमने, इससे बन जाएंगे घर में। ये तो है, मैं तो कुछ और भी ओढ़ लिया है खूब से। हाँ मैं तो कान बात रखी। अब तो मैं हमारे हाथ भी गर्म हो गए हैं। वाह मजा आ गया। आटा गुद्दो फिर। हाँ हाँ चलो हो जाएगी। आज तो सब्जी में मजा आ जाएगा, आज तो मिक्स वेज है। तो गाइज अब मैं आटा गूंथती हूँ। मन तो नहीं कर रहा है मेरा उठने का यहाँ से, पर क्या करे उठना पड़ेगा। कोई नहीं, वैसे भी मैं रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे में ही जाती हूँ, वहाँ भी सही है। खाना तो बनाना पड़ेगा। तो गाइज देखिए मैंने आटा भी गूंथी है। तो आज गेहूँ और मड़वा दो आटे गूंथे हुए हैं। तो जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो गाइज मैं अभी रोटी बनाते बनाते छोड़ के आई हूँ क्योंकि यहाँ मोमो पार्टी चल रही है इन लोगों की। मैंने कहा मैं पीछे रह जाऊँगी, इसलिए मैं भी आ गई। और अभी हमने मोमो गर्म करने के लिए रखे हुए हैं। ये देखिए टेस्टी से मोमो अभी हमने गर्म करने के लिए रखे हुए हैं। पर चटनी कहाँ गई? चटनी कहाँ गई? चटनी का आटा बना रही है। अब देखो ये लोग मोमो लेके आए हैं और चटनी नहीं लेके आए हैं। कह रही चटनी का आटा बना नहीं है। ऐसे खाओ। और मेरे को वहां से रोटी बनाते बनाते बुलाया है। आलू गोभी सके सभी के खा गए। फर्स्ट टाइम आलू गोभी के मोमो खाएंगे आप? ये गोभी दाल के साथ। हाँ यही खाना पड़ता है। तो गाइज आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।